हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर 11, दैट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट फोर। तो अभी तक हमने डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है बच्चों, हमने डिफरेंट फ्लावर्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, हमने पेटल्स सेपल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट यूजेज ऑफ फ्लावर्स। सो मैनी यूजेज फ्लावर्स आर इवन ईटन। अगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फ्लावर्स हैं उनको खाया भी जाता है, वो सिर्फ डेकोरेशन के काम में ही नहीं आते, इवन उनके मल्टीपल यूज़ हैं, फ्लावर्स को हम खाते भी हैं। वट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन अवर डेली लाइफ? डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल? मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज वेजिटेबल्स। तो अगर आपको नहीं पता तो यह बता दूँ, सभी फ्लावर्स सिर्फ डेकोरेशन के काम नहीं आते, यह बल्कि सिर्फ एस्थेटिक ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि कुछ फ्लावर्स एडिबल होते हैं, उन्हें खाया भी जाता है। इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। तो मैं आपको बता दूं, जो कचनार का जो पेड़ होता है, बहुत ही उस पर जो फ्लावर होते हैं कचनार के, बहुत ही सुंदर होते हैं और उन फ्लावर्स को खाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन केरला यमिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। तो यह तो हम यहाँ नॉर्थ में भी खाते हैं, जो बनाना के फ्लावर्स होते हैं उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। अगर आपने नहीं कभी इसको खाया तो ट्राई इट, बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी एज वेल एज वेरी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यह सिर्फ टेस्टी के साथ साथ सिर्फ टेस्टी ही नहीं है, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और बनाना फ्लावर्स को जो साउथ है बहुत खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर केले बहुत पाए जाते हैं, बनानास बहुत मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो बनाना की रेसिपीज़ हैं आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलेगी। तो बनाना के जो फ्लावर्स आपने देखा भी है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है पर्पल कलर का, तो यह एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकोराज मेड अप ऑफ सहजन फ्लावर्स। तो जो सहजन फ्लावर्स होते हैं ना, तो यह एक स्पेशल टाइप फ्लावर्स होते हैं जिनको पकौड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है महाराष्ट्र में। आर फ्लावर्स कुकड इन और होम एज अ ड्राई वेजिटेबल अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी। क्या कभी आपने फ्लावर को कुक किया है सब्जी के रूप में, या फिर कोई डिश बनाई हो, या फिर चटनी खाई हो? तो फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दिस। तो आप यह पता लगाएं कौन से फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर अ वेजिटेबल चटनी या फिर कोई भी स्पेशल डिश बनाने के लिए। फ्लावर्स इन मेडिसिंस। अभी तक तो हमने बात की है फ्लावर्स की, कि फ्लावर्स हम यूज़ करते हैं एज अ खाने के लिए, पर अब बात करते हैं कि फ्लावर्स मेडिसिंस में भी यूज़ होते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मैनी मेडिसिंस एज वेल। मेडिसिन होती हैं दवाइयाँ। मेडिसिन क्या होती हैं? दवाइयाँ। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिंस। तो बच्चों, दुनिया में बहुत तरह के प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ दो फ्लावर्स के नाम लिए गए हैं, तो मैं उन्हीं फ्लावर्स के नाम यहाँ पर लिखने जा रही हूँ जो आपने कॉमनली देखे भी हैं। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि रोज़, जो रोज़ है, रोज़ वाटर, उसको बहुत ही उसके मेडिसिनल यूज़ भी हैं, जिसको हम एस्थेटिक ब्यूटी, फॉर एग्जांपल हम रोज़ वाटर को ब्यूटी को बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। तो रोज़ वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। तो विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, अनदर इज़ अ सनफ्लावर ऑल्सो। सनफ्लावर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस मेडिसिंस। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस? अब आप घर पर भी रोज़ वाटर बना सकते हैं, इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज वेल एज हम इसको अपनी जो स्वीट डिशेज होते हैं उसमें भी ऐड करते हैं फॉर द सेंट। आप अगर उसको ऐड करते हैं तो उसमें अलग सी खुशबू आती है, लस्सी में भी डाल सकते हैं। तो अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो ट्राई रोज़ वाटर, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अवर स्किन एज वेल। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। अब आप इसको खुद भी अपनाएं और इसके जो फ़ायदे हैं दूसरों को भी बताएं।
कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। अब फ्लावर्स देखो, हमने पढ़ चुके हैं कि फ्लावर्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमने यहाँ पर कलर्स भी देखे हैं कि कलर्स में भी कितनी वैरायटी होती है। कोई रेड होता है, कोई ऑरेंज होता है, कोई इवन ब्लू होता है, पर्पल होता है। तो आपने फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा कलर देखे हैं। तो कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मारीगोल्ड। मारीगोल्ड होता है गेंदा, ठीक है। जीनिया, जीनिया शायद आपने ना भी देखा हो, तो गेंदा ज़रूर देखा है। गेंदे का कलर कैसा होता है? येलोइश, ऑरेंजिस भी कलर होता है, एक मरून कलर भी होता है। तो इन कलर्स को हम डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दिस कलर कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स। और इस तरह से ये नेचुरल डाई होती है, कोई भी इसमें सिंथेटिक या केमिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है बच्चों। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। तो कलर बनाने के लिए हम अभी आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ मैं, हिबिस्कस जिसे चाइना रोज कहते हैं, या फिर गुड़हल। गुड़हल का जो फ्लावर है वो सभी ने देखा हुआ है, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट फ्लावर है इसकी जो डाई है हम यूज़ करते हैं, जो इसमें से कलर है बहुत ही प्यारा निकलता है, मजेंटा कलर, और उसको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है जो हमने बताना है, जिससे हम क्लोथ्स को कवर करते, क्लोथ्स को डाई करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हिबिस्कस एंड कोई भी सनफ्लावर या फिर कोई भी ब्राइटली कलर फ्लावर आप जानते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देर इज़ नो फ्लावर। तो कभी आपने ऐसा कलर बताइए जिसमें कभी भी कोई फ्लावर ना देखा हो। तो मोस्टली हमने सिल्वर या फिर ग्रे कलर का कोई भी फ्लावर नहीं देखा है। कोई भी फ्लावर आप कहोगे कि ब्लैक, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लैक कलर का फ्लावर प्रेजेंट है, दैट इज़ रोज़। आजकल जो रोज़ है वो हमें ब्लैक कलर का भी मिल रहा है, तो हम ब्लैक कलर नहीं कह सकते। लेकिन सिल्वर और ग्रे कलर में बहुत रेयर है फ्लावर्स का मिलना। तो राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट। सेंट होता है खुशबू, जो आप लगाते हैं घरों में अपने जो क्लोथ्स पर खुशबू के लिए सेंट, तो उनमें जो सुगंध होती है वो कौन से फ्लावर से आती है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं रोज़, रोज़ की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। चमेली, जो आपने चमेली का तेल भी सुना होगा, तो यह सभी क्या, इनमें बहुत ही खुशबू आती है, जो आप दूर से सूंघ कर बता सकते हैं, स्मेल करके बता सकते हैं कि ये फ्लावर इस प्लांट का है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी विच यूज़ फ्लावर्स। हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज यूज्ड। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रोज़ वाटर बहुत ही उपयोगी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन हम उसको एडिबल भी है, हम खाते भी हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रैंडमा है, यहाँ पर विधि बता रही हैं, रेसिपी बता रही हैं, रेसिपी होता है विधि। तो ग्रैनी रेसिपी बता रही हैं, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन मार्केट में अवेलेबल होती है, तो इसको रोज़ वाटर को और ग्लिसरीन को मिलाया जाता है और उसे एक बॉटल में रखा जाता है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डाली जाती है। और विंटर में अगर हम इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, आपकी स्किन बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट विधि किसने बता दी? ग्रैंड माँ ने। और आप ज़रूर इसको पर्सनली घर पर अपनाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड रेसिपी, जो आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी केमिकल क्रीम से बच सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हैव यू एवर एक्सपीरियंस द स्मेल एंड ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर। तो इतर एक हमारा उर्दू में वर्ड होता, उर्दू वर्ड है, उर्दू में इतर को, जो ये सेंट होते हैं उनको इतर ही कहा जाता है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर इज मेड अप फ्रॉम लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये बहुत ही महंगी आती है, जो असली इतर होता है उसकी छोटी सी बॉटल भी बहुत महंगी आती है, क्योंकि एक छोटी बॉटल में जो बहुत से फ्लावर्स को मिलाकर बनाई गई है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। तो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश, फिर से यूपी का नाम आया है कि यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कन्नौज, यहाँ पर इत्र बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, तो इम्पोर्टेंट है। टर्क लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस इत्र। तो जो भी पड़ोसी स्टेट्स हैं वहाँ से ट्रक भर भर कर फ्लावर्स कहाँ आते हैं, कन्नौज में। तो इत्र, रोज़ वाटर, केवरा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर। तो यहाँ पर
स्पेशली रोज़ वाटर प्रिपेयर किया जाता है, और भी जो डिफरेंट फ्लावर्स के जो वाटर प्रिपेयर किए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज्ड इन दिस वर्क, और इस तरह से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इवन इंडिया में ही आपको इत्र की इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल रही है, और साथ के साथ लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। For the teacher, encourage children to locate Uttar Pradesh, Kerala and Maharashtra on the map. Discuss with children that itar is a pure extract of flowers. जैसा कि पहली बात है कि इतर होता क्या है, इतर लिक्विड फॉर्म होती है फ्लावर्स की, और एक प्योर फॉर्म होती है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, ठीक है, और बहुत ही सुगंधित जो होता है लिक्विड होता है फ्लावर्स का, ठीक है। तो इतर की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप सभी ने क्या करना है कि मैप लेना है, मैप पर उत्तर प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र की जो लोकेशन है उसको शेड करना है या फिर कलर करना है मैप के ऊपर। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और आप इन जो भी हमने रीड किया है इसको दोबारा रीड करें, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अपने आप से जो क्वेश्चंस बना सकते हैं वो बनाएं, और जितना हो सके स्पेलिंग्स को ध्यान से देखें। और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो डिफरेंट फ्लावर्स की यहाँ पर हमें चैप्टर में नॉलेज मिल रही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।